न्यूज़ नाइन पंजाब देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत, मैं हाँ संजीव शर्मा। किसान भरावां दी मदद वास्ते जिहड़े कि खास करके गन्ने दे नाल जुड़े हुए ने, उन्हां दे वास्ते असी अक्सर डॉक्टर गुलजार सिंह संगेड़ा जी कोल आउंदे रहिंदे हां अते गन्ने नूं लै के बीमारियां दे बारे जो जानकारी लई, उन्हां दे रख रखाव दी, उन्हां दी सांभ संभाल दी गल हुई। अज एक बार असी फिर डॉक्टर साहब कोल पहुंचे हां। डॉक्टर साहब, सब तो पहला स्वागत है जी तुहाडा न्यूज़ नाइन पंजाब जी। सत श्री अकाल, स्टेशन ते आने ते बहुत बहुत धन्यवाद सर तुहाडा। डॉक्टर साहब, अज गल करांगे कि गन्ने की फसल नूं जिमीदार किस तरह लाहेवंद बना सकता है, इंदे बारे गल करांगे कि कोई है उपराला जिंदे नाल के जिमीदार भरा इंदे तो होर लाहेवंद जो हुण तक चलदा आ रहा है, किसी ने गुड़ बना लिया किस तरह किया या शुगर फैक्टरी नूं वेचता, खंड मिल नूं वेच दिता, उस तो इलावा भी कोई हल है कि जिमीदार भरा इस तो होर फायदा लै सकन? हाँ जी सर बिल्कुल, क्योंकि जिहड़ी गन्ने की फसल है जिहड़ी साडी गन्ने की फसल है, जिदा कि अक्सर आपां गल करदे हां कि ये 12 से 14 महीने की फसल है, दो सीजनां दे विच इहदी बिजाई हुंदी है, दो तरह दीआं किस्मां हुंदीआं ने। जिवें कि अज असीं हुण गन्ने दे खेत विच खड़े आ, तुसीं पिछे देख सकदे हो, सब तो वड्डी गल आ है कि अगर गन्ने नूं लाहेवंद बनाउणा है उस वरायटी का चोण करना है जिहड़ा झाड़ ज़्यादा दिंदी है। आ तुसीं अपने पिछे देख सकदे हो COP-95 वरायटी खड़ी है, इहदा औसतन झाड़ 425 क्विंटल पर एकड़ दा, तो जो 425 क्विंटल का झाड़ है 380 रुपये सरकार ने रेट दिता। जे असी चंगी वरायटी चुन लैंदे हाँ पहला फायदा तो उही हो गया, क्योंकि अगर तुसी 425 380 दे नाल गुणा कर लो तो उन्ना बेनीफिट पर एकड़ का आराम नाल हो गया। दूसरा यह है कि क्योंकि ये फसल कल्ली है और चारों सीजन क्रॉस करती है, 12-14 महीने खेत के रहती है, कल्ली फसल में कल्ले खेत के रखना सियाणापन नहीं है, इन्हू अगर लाहेवंद बनाना है तो इदों एक ही तरीके दे नाल असी दो कर सकते हैं। नंबर एक कि जो गन्ना लाना है इनू असी चौड़ी विधि दे नाल लाइए, जो असी इनू चौड़ी विधि दे नाल लाने हैं 4 फुट ते जाके लाने हैं तो उहदे च की है कि साडा जिहड़ा बीज का रेट है बीज घट जाता, तो वह बीज का पैसा साडा बच जाता। मतलब लाहेवंद बनाना यह नहीं कि असी दे के लेना, यह भी तो हो सकता असी घट खर्चीए, खर्चे घट करके भी तो बचा सकते हैं, वह भी तो लाहेवंद हो गया। जे असी 10% बीज घट कर लिया चार फुट ला रहे, 4 फुट जी खाली थां है उत्थे नदीन उगण वास्ते नहीं छड्डणी, उत्थे रलवा फसलां लैणियां ने, अंतर फसलां लैणियां ने, इंटरक्रॉपिंग करनी। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी दे साइड तो अज दी डेट विच 16 फसलां जिहड़ियां ने वो सिफारिश कीतियां होईयां। अगर तुसी 80-90 दे विच बिजाई कर रहे हो और उहदे विच 4 फुट की दूरी रख रहे हो, तुसी उहदे विच लसन ला सकते हो, प्याज ला सकते हो, गोभी ला सकते हो, गाजर ला सकते हो, क्योंकि ये सारियां फसलां 3 से 4 महीने दीआं ने। गन्ने ने फरवरी तो बाद जाके ग्रो करना, वो अगली जनवरी दे विच तुसी कटना, जदों ये तुसी अंतर फसलां लाओगे वो जिहड़ी ला के कट्टोंगे वो तुहानूं एडिशनल बेनीफिट होगा। सेम खाद, सेम पानी, सेम थां ते गन्ने की कल्ली फसल से डिपेंड करन दी बैटर है कि असी उन्हों रलवा फसलों नूं लै लईए, तो इस गन्ने की फसल में जो असी रलवा फसल लगा के उस फसल का झाड़ असी गन्ने दे विच पाउंदे आ तो जिते सानूं वह अडिशनल झाड़ भी मिल जाना, प्लस सानूं जिहड़ा उस फसल का जिहड़ा पैसे मिलने आ बेचण तों मंडीकरण तों वह भी बेनीफिट हो जाता। दो फायदे हो गए, लाहेवंद हो गया। तीसरा कि जो असी रलवा फसल में कट्टना उहदी जिहड़ी रहिंद खूंद, जिहड़ा कि सरकार दा एक बहुत बड़ा उतराला हो रहा कि यार पराली नहीं कट्टनी, रहिंद खूंद नूं संभालो, गन्ने की खोरी ना जलाओ, बाकी चीज़ां तो वो जी उन्हें फसलों की रहिंद खूंद असी मिट्टी के विच जो मिला देनी है, कुतर के जो गोड्डी पानी है उन्हें साडी मिट्टी की सेहत नूं इंप्रूव करना। मिट्टी की सेहत इंप्रूव करन तो भाव यह है कि उहदी ऑरगैनिक कंटेंट, ऑरगैनिक कार्बन जिहड़ी है वह बढ़ा देनी है, जो वो साडी मिट्टी की सेहत चंगी हो गई तो जिहड़ियां असी खाद पानी बाकी पाने वह बूटा चक लैंदा, ग्रोथ चंगी हुंदी है, कीड़े मकौड़े घट आउंदे, दवाइयां घट लगदियां, तो वह भी तो लाहेवंद ही है, वह भी फायदा हो जाता सर। तो तीसरा यह है कि गन्ने नूं लाहेवंद, क्योंकि गल्लां मिल च सुट्टण वास्ते एक ऑप्शन नहीं रहनी चाहिए, इहदे अल्टरनेट हैगे आ, जिदा तुसीं शुरू च ही गल कीती असी गुड़ बना सकते हैं, शक्कर बना सकते हैं, हुण नवां यह आ गया कि असी सिरका बना सकते हैं, गन्ने दे जूस तों सिरका बना लो, तो उह जिहड़ियां चीज़ां हैगियां उन्हां नूं असी अगर इंटैग्रेट कर लैंदे हां तां गन्ने दी इक ऐसी फसल है, जिदा तुसीं देख रहे हो कि पिछली बार कणक दे विच सानूं काफ़ी नुकसान होया, गन्ने नूं कई बार जिहड़ियां कुदरती आफतां भी आ जांदियां ना,
अगर गन्ना पूरा ना बना तो गुजरां नूं पट्ठे ही दे दिओ, फिर भी कुछ ना कुछ दे जांदा। वो कहिंदे ने कि गन्ने दे विच इक कहावत आउंदी है कि रिश्ता गन्ने दी तरह बनाओ, इहनूं मारो कुट्टो पिट्टो कुछ भी दिओ, मिठा ही दिंदा, कदी कड़वा नहीं दिंदा। तां इह लाहेवंद हो जांदा, फायदा हो जांदा। सर डॉक्टर साहब, महारत है तुहानूं गन्ने दे उपर, और नाले नाल मेरा ख्याल है कि तुहाडी इक अंदरूनी सांझ भी, जिहड़ी दिलों सांझ हुंदी है, आत्मिक सांझ, उह भी गन्ने नाल पै चुकी है। हाँ सर, ये तुसीं कह सकदे हो, क्योंकि आज तुसीं जिहड़ियां वरायटियां लगियां देख रहे हो, ये 13 वरायटियां लगियां ने। इन्हां 13 दे विचों 8 वरायटियां जिहड़ियां ने ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਾਇਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲੋਂ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੰਨਾ ਦੇਖੀਦਾ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੇਚ ਵੜ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੰਨੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਟੂਰ 'ਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਗੰਨੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਰੋਸਿੰਗ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਕਲੀ 2 ਦਿਨ ਕੋਇੰਬਟੂਰ SBI ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਸੌਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪੱਗ ਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੇਅਰ ਫੋਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡੇਸ਼ਨ ਗਾਰਡਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰੋਸਿੰਗ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਬੀਜ ਆਊਗੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਵੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ।